दोस्तों आपने कभी सोचा है? आपने कभी नहीं सोचा? How dare you not think? दोस्तों कभी आपने सोचा है कि आपकी फोटोग्राफ इतनी अच्छी नहीं आती है और आपके फ्रेंड की उसी DSLR से बहुत अच्छी इमेजेस क्लिक होती है, आप सोचते होंगे कि आपका फ्रेंड बहुत अच्छा फोटोग्राफर है और पता नहीं क्या क्या तमाम चीजें आप सोच बैठते हैं। दोस्तों बेसिकली जो फर्क आता है वो लेंस की वजह से आता है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड के बेस्ट लेंस, जिसको काफी सारे यूट्यूबर्स और बहुत सारे कंपनीज को वर्ल्ड का बेस्ट लेंस का दर्जा जिसको दिया हुआ है। और दोस्तों मैं हूं बलवीर चौधरी, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं टेक्निकल गॉसिप चैनल के अंदर। और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों जिस लेंस की हम बात कर रहे हैं वो है 50mm लेंस, जिसका अपर्चर 1.8 से लेकर 28.5 तक वेरी करता है। दोस्तों बात कर लेते हैं क्यों ये लेंस बेस्ट है। पहला पॉइंट आता है आपका फील्ड ऑफ व्यू। दोस्तों इस लेंस की खासियत ये है कि जिस तरीके से आप इमेज को देखते हैं अपनी ह्यूमन आई से, उसी फील्ड ऑफ व्यू में ये आपको इमेजेस क्लिक करके देगा। इसलिए हमें कई बार साइकोलॉजिकली ये भी लगता है कि जैसे ये जो शॉट कैमरे से लिया गया है, ये हम जो खुद देख रहे हैं वो सेम एज इट इज है। लाइक आप देख सकते हैं कि अगर कोई मैक्रो लेंस है वो बहुत ही ज्यादा क्लोज पोर्ट्रेट के लिए यूज किया जाता है, टेलीफोटो लेंस दूर के ऑब्जेक्ट्स या वाइल्डलाइफ फोटोग्राफी के लिए यूज किया जाता है, और ये लेंस जो है प्राइम लेंस है जिसके अंदर आप बहुत ज्यादा चटके दिखा सकते हैं। दोस्तों अगली बात है इसकी साइज, बहुत ही छोटा साइज है इसका, इसको आप अपनी पॉकेट में कैरी कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है इधर से उधर ले जाने के लिए, बिल्कुल भी हैवी नहीं है, बहुत ही लाइट वेट लेंस है, जितना अच्छी इमेजेस ये क्लिक करता है उसके कंपैरिजन में इसका वेट कुछ भी नहीं है। थर्ड बात करते हैं इसकी कॉस्ट। इतना अच्छा लेंस होने के बावजूद आप सोच रहे होंगे ये बहुत महंगा होगा, 10-15 या 20 हज़ार का लेंस होगा। जी नहीं दोस्तों, ये आपको $100 या $110 पे कहीं पे भी मिल सकता है अमेजन फ्लिपकार्ट पे, और इंडियन रुपीज में अगर आप बात करेंगे तो अराउंड 6,000 to 8,000 के बीच में ऑफर्स वगैरह आते रहते हैं अमेजन फ्लिपकार्ट पे, तो इट डिपेंड्स कि कब आप बाई कर रहे हैं। दोस्तों अपना चौथा पॉइंट है ऑप्टिक्स। इसके ऑप्टिक्स के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि बहुत ही सिंपल मैकेनिकल ऑप्टिक्स इसके अंदर यूज किए गए इस लेंस को बनाने के अंदर। अनलाइक आपके जो टेलीफोटो लेंसेज होते हैं या जूम लेंसेज होते हैं, उसके अंदर बहुत ही ज्यादा मैकेनिकली बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म यूज किया जाता है मैकेनिकली उसके अंदर, और ऐसा इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। और इसी वजह से इसका शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड बहुत ही कमाल है। आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा दोस्तों कि अगर 50mm मेरे पास जो किट लेंस है 18-55 उसमें भी मैं 50mm तक जा सकता हूं, और जो मेरा टेलीफोटो लेंस है लाइक 50 to 200 या बहुत सारे आते हैं टेलीफोटो लेंसेज तो उसमें भी मैं जा सकता हूं 50mm पे रख के, तो भैया ऐसा है कि कंपनीज बेवकूफ नहीं है जो 50mm लेंस बना रही हैं। और ऐसे आपका 35mm अलग से बिकता है, 30mm अलग बिकता है, 24mm जो मैक्रो शॉट्स के लिए यूज किया था वो अलग बिकता है, तो आप खुद ये फर्क महसूस कर सकते हैं। 50mm पे फोकल लेंथ आप सेट कीजिए अपने कैमरे की, जो आपका किट लेंस है उसके अंदर, उससे एक इमेज क्लिक कीजिए। दूसरी तरफ आप किट लेंस के अंदर, दूसरी तरफ आप टेलीफोटो लेंस के अंदर कीजिए, और ऐसा ही आप इसी 50mm लेंस अगर आपके किसी फ्रेंड के पास है तो उसके अंदर करके देखिए, आपको बहुत ही दिन रात का फर्क देखने को मिलेगा और डिफरेंसेस इतने होंगे कि आपको खुद को अपने ऊपर यकीन नहीं होगा कि इतनी कमाल फोटोग्राफ एक छोटा सा लेंस और बहुत ही सस्ता लेंस कैसे क्लिक कर सकता है। दोस्तों इसके पीछे रीजन है इसकी अपर्चर। इसकी अपर्चर की जो साइज है जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ 1.8 तक जा सकती है, जिसकी वजह से ये जो शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो एकदम कमाल है। किट लेंस के अंदर जो आपको बुके देखने को मिलेगा या जो आपको बैकग्राउंड ब्लर देखने को मिलता है वो उतना शार्प नहीं होगा, उतना बेटर नहीं होगा एज कम्पेयर टू आवर 50mm लेंस। और उसके अंदर आपको बीच में कहीं मच्छर भी देखने को मिल जाएंगे अगर लो लाइट में अगर आप इमेजेस क्लिक कर रहे हैं, तो जो नॉइस जिसको बोलते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में, बहुत सारे मच्छर देखने को मिलेंगे आपको, जो कि इसके अंदर आपको बिल्कुल देखने के लिए नहीं मिलेंगे, और ये इसकी एक स्पेशलिटी है, हम आगे उसके ऊपर आएंगे। तो चलिए बात करते हैं इसकी लो लाइट कैपेबिलिटीज के ऊपर। ये लो लाइट के अंदर बहुत ही बढ़िया इमेजेस क्लिक कर सकते। दोस्तों अब आखिरी पॉइंट की बात कर लेते हैं, लो लाइट फोटोग्राफी। जी हाँ, ये इकलौता बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से इस लेंस को दुनिया खरीदती है और इसके पीछे दीवानी है इस लेंस के पीछे, और मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ इस लेंस का। और इसके बहुत सारे रीजंस हैं, एक तो नॉइस आपको बहुत कम देखने को मिलेगी, नॉइस जैसे मैंने बताया जो मच्छर आते हैं बैकग्राउंड में अंधेरे की वजह से, जिसमें आपको ISO आप बढ़ा देते हो स्टिल वो मच्छर जाते नहीं है किट लेंस या जूम लेंस के अंदर, लेकिन इसके अंदर वो चीज़ पॉसिबल है, आप अपर्चर को बढ़ा दीजिए या कम कर दीजिए, उसको एडजस्ट करने से वो मच्छर कम ज़्यादा आपको हो जाएंगे। दोस्तों यही सब रीजंस है जिसकी वजह से लोग इसको वर्ल्ड का बेस्ट लेंस कहते हैं, और मेरा भी ऐसा मानना है कि ये वर्ल्ड का बेस्ट लेंस है। और दोस्तों इस सेटअप के अंदर मैंने थोड़ा सा चेंज किया, बैकग्राउंड के अंदर आपको कुछ लाइट्स देखने को मिल रही है, लाइटिंग इफेक्ट देखने को मिल रहा है, कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं, और क्या मैं डेवलप कर सकता हूँ और कैसे वीडियोस बेटर बना सकता हूँ अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।